इस लड़ाई को आप लोगों के बिना हम लोग नहीं लड़ सकते। इसलिए जितने भी हमारे बिहार के लोग सभी लोग हैं, हाथ जोर से विनती करते कि आप लोग हम लोगों के हाथों को मजबूत कीजिए, साथ दीजिए, ताकि सरकार को जगाने का काम करें, लाइन पे लाने का काम करें। 15 साल हम लोगों को बोलते रहे, अरे हम लोगों से जो गलती होगी, हम तो तेजस्वी पैदा बच्चा था उस समय 15 साल पहले, लेकिन जो भी हमारी पार्टी की सरकारें होंगी अगर कुछ गलतियां होंगी तो जनता ने सजा दी। 15 साल हम लोग विपक्ष में नहीं, लेकिन नीतीश कुमार जी सवाल तो आपसे पूछा जाएगा कि आप तो पलायन रोकने आए थे, आप तो रोजगार देने आए थे, आपने 15 साल में क्या किया? जहानाबाद में वीडियो देखते हैं, दर्दनाक वीडियो देखते हैं, जहां बच्ची को गोद में लेकर के मां उसका शव लेके जा रही है, कलेजा फट जाता है, लेकिन सरकार के मुंह से एक चंद शब्द भी अफसोस का नहीं निकलता है। ये सवाल हम लोगों से करते, कह रहे लालू जी जब रेल मंत्री थे तब पूरे रेलवे का यातायात फ्री किए थे, जब कोसी में बाढ़ आया था 1100 करोड़ का पैकेज दिया था, 1100 करोड़ का अपना 1 करोड़ सैलरी जो था वो डोनेट उन्होंने करने का काम किया। 14 लाख रेलवे कर्मचारी थे, एक एक दिन का उनका जो है तनख्वाह वो दिलाने का काम किया बिहार के लोगों को। पलायन रोकने के लिए हम लोगों ने क्या किया? हम लोग यूपीए सरकार में थे, लालू जी रेल मंत्री थे, रघुवंश प्रसाद जी ग्रामीण विकास मंत्री थे, मनरेगा योजना लाई ताकि लोगों को काम मिले बिहार में। हम लोग बेरोजगारी यात्रा पे निकले थे, लेकिन कोरोना के चलते यात्रा को रद्द करना पड़ा, और बेरोजगारी इतनी बड़ी समस्या है। हम लोग बार बार कहते रहे डोमिसाइल नीति हो ताकि बिहार के लोगों को बिहार में ही काम मिले, लेकिन यह सारा सवाल राजनीति करने का अभी नहीं है। अभी यही सवाल है नीतीश कुमार जी, कोई पैतरेबाजी, कोई बहानेबाजी अब नहीं चलेगा। ये नए गाइडलाइन का हवाला आप बिल्कुल नहीं दीजिएगा, ये नए गाइडलाइन का हवाला आप बिल्कुल नहीं दीजिएगा, और हमारे मजदूरों को आप लोग, हम सब लोग से सहयोग लीजिए, हम लोग लाने का काम करें। ज़्यादा कुछ नहीं कहना, सभी जितने भी फेसबुक पे हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो दर्शक हैं, जो अभी लाइव सुन रहे हैं, उन सब से भी अपील करेंगे कि सोशल मीडिया के माध्यम से कई चीज़ें जो हैं मेन स्ट्रीम मीडिया में ये चीज़ें नहीं बताई गई हैं, सच्चाई नहीं बताई गई हैं, आप लोगों को नहीं बताया जा रहा है, असली में सच्चाई को छुपाया जा रहा है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहें, सरकार की कमियों को गिनाने का काम करें, जगाने का काम करें। अगर अगर हम लोग आज ये काम नहीं करेंगे तो समझिए कि जितने भाई हमारे 40 लाख बिहार के लोग हैं वो बाहर फंसे रहेंगे, और हमको उनको लाने का काम करना, उनको पेट भरने का काम करना। इसलिए इस निकम्मी सरकार को जगाने के लिए जितने भी सोशल मीडिया में साथी अभी जुड़े हैं उन सबको हम धन्यवाद देते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो हैं इसी प्रकार से साथ देते रहें और सरकार की नींद को जो है जगाने का काम करें नींद से। तो ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने सोचा कि ये महत्वपूर्ण बात है, ये जनता तक बात ये पहुंचनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं चाहूँगा कि इस बात को जो है आप लोग जो है पहुंचाने का काम करें, सच्चाई को बताने का काम करें, और इस निकम्मी डबल इंजन सरकार के नींद को आप लोग जो सोई हुई है चैन से उसको आप लोग जगाने का काम करें। जोर तोड़ खाली करना है, जनादेश का अपमान करना है, लोगों को डराना है, धमकाना है, बस यही काम रह गया। इसलिए आप सब लोगों से अपील है कि इन बातों को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुँचाएं, खासतौर पे अपने पार्टी के जितने पदाधिकारी हैं, नेता हैं, वर्कर हैं, MLA हों, MP हों, उन सबको भी कहेंगे कि क्षेत्र में रहें, क्षेत्र की समस्याओं को निपटें, लोगों की परेशानी को सुने, अपना फ़ोन ऑन रखें, जो भी दिक्कत हो आप लोग हमारे ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं, और हम लोग कोशिश में हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मदद पहुंचाई जाए। 2000 बसों का हमने इंतज़ाम कर रखा है, बिहार सरकार से हमने कई बार पूछा है बस कहाँ भेजना है, ट्रेन का किराया चेक तैयार है, आपको हम कब सुपुर्द कर दें आप बताइए, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा।
इसलिए ज़्यादा कुछ ना कह करके फिर ज़रूरत पड़ेगा फिर हम आप लोगों के बीच आएंगे और सच्चाई को बताने का काम करेंगे। आप लोगों का इसी प्रकार से सहयोग बनता रहे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जो है हम आपको धन्यवाद देते हैं और इसमें कोई राजनीति नहीं है। लोग कहते हैं कि खाली बयानबाजी कर रहे हैं, कोई सहयोग नहीं दे रहे। सहयोग लोगे तब तो दिखेगा। हम लोग जुमला पार्टी नहीं है, हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं और हम लोग एक राजनीतिक फायदे के लिए नहीं, एक वोट बैंक के लिए नहीं करना चाहते बल्कि इंसानियत के लिए करना चाहते हैं, गरीबों का दर्द को बांटना चाहते हैं, गरीबी को मिटाना चाहते हैं, उनका सहयोग करना चाहते हैं एक इंसान होने के नाते, एक बिहारी होने के नाते। ये कोई राजनीति नहीं है, इसलिए आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद। फिर आप लोगों से मैं जुड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।